अस्सलाम वालेकुम जी। दानिश एग्रीकल्चर में खुश आमदीद। नया साल शुरू होते ही खादों की नई रेट लिस्ट जो है वो एग्रो ने जारी कर दी है। एग्रो की रेट लिस्ट के मुताबिक क्या रेट है आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, तो जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ये कि बेल आइकन पर लाजम क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुँचता रहे। सबसे पहले अगर बात की जाए, 1 जनवरी 2024 को ये रेट लिस्ट जारी की गई है। एग्रो यूरिया जो कि पिछले साल गंदम को जब भी जरूरत पड़ी है तो किसानों को लाइनों के अंदर खड़े होकर खादें खरीदनी पड़ी है, पिछले साल भी यही असर रहा है। इस दफा फिर अगर डीएपी की जरूरत पड़ी है तो किसान को खाद मिलना बंद होगी। अब यूरिया की जरूरत है तो यूरिया किस्तों के अंदर मिल रही है। बाहर से हुकूमत ने खाद मंगवाई है लेकिन वो फिर वही हिसाब होगा कि किसी को 1-2 बोरियां चाहिए तो उसे 1 मिल रही है, किसी को 10 चाहिए तो उसे 1-2 मिल रही है, तो किसान बेचारा जो है वो जलीलो ख्वार हो रहा है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए एग्रो यूरिया की, 50 केजी का जो बैग है 3595 रुपए इसका रेट है, यानी 3595 रुपए। अगर नाइट्रोफास प्लस की बात की जाए 50 केजी का जो बैग है 7829 रुपए कंपनी का रेट है। अगर डीएपी की बात की जाए 50 केजी का बैग 13101 रुपए रेट है। अगर जरावर की बात की जाए 50 केजी का बैग जो 1050 है 12590 रुपए इसका रेट है। अगर दुकानदारों की बात की जाए तो दुकानदार जो खाद है हर इलाके के अंदर मुख्तलिफ रेट के ऊपर फरोख्त कर रहे हैं। कोई भी एक भी दुकानदार आपको ऐसा नजर नहीं आएगा जो कंपनी रेट के ऊपर खाद फरोख्त करे। अगर उनसे बात की जाए तो उनका कहना यही है कि हमारे पास स्टॉक मौजूद नहीं है, कहीं से मंगवा कर देते हैं, बहरहाल जहां से भी वो ला कर देते हैं। बेचारा किसान हर तरफ जलील हो रहा है, हर चीज की कीमत के अंदर कमी हो जाती है लेकिन जो किसान के इस्तेमाल की चीजें हैं इनके अंदर कमी नहीं की जाती। तो अगर यूरिया खाद की बात की जाए तो तकरीबन 4800 से लेकर 5900 रुपए तक मिल रही है। अगर नाइट्रोफास की बात की जाए तो 8000 रुपए से शुरू होकर 8500 रुपए तक मिल रही है। डीएपी की बात की जाए 13500 से लेकर 14000 रुपए तक मिल रही है। इस वक्त किसानों को सख्त जरूरत है खादों की। गंदम जो है वो खाद मांग रही है, पीली पड़ रही है, गंदम अपनी ग्रोथ नहीं कर रही, तो खादों की सख्त जरूरत है इस वक्त लेकिन किसान को खादें नहीं मिल रही। खुदारा खुदारा किसान पर रहम किया जाए। ज़राअत एक रीढ़ की हड्डी समझा जाता है पाकिस्तान की, रीढ़ की हड्डी के मानद है, लेकिन अगर किसानों के साथ यही सलूक रहेगा, दूसरी तरफ भी देखें अगर आप जो ज़राअत की जमीनें हैं उनके ऊपर सोसाइटियां बनाई जा रही हैं, एक तरफ तो ज़राअत वैसे खत्म हो रही है, दूसरी तरफ चंद एक एकड़ या चंद एक जो जगह पड़ी हुई है वहां पर भी जो किसान अपनी फसलें काश्त कर रहे हैं उनको जो किसान के इस्तेमाल की चीजें हैं वो महंगे दामों मिल रही हैं। तो खुदारा किसान पर रहम किया जाए, खादों को जो है वो सस्ता किया जाए ताकि किसान जो है अपनी रोजी बासानी कमा सके और इसमें पाकिस्तान की भी तरक्की हो सके। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। बाकी आपके इलाके के अंदर खादें किस रेट पर मिल रही हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह।